Hello viewers, welcome. I'm Rashmi, your maths teacher. Today with another question of trigonometry from exercise 8.1. Question number 5th is given sec theta is 13 by 12. Calculate all other trigonometric ratio. All other means ki yahan pe total kitne ratio hai? 6 ratio hai. Sine, cos, tan, cosec, sec, cot. Usme se hume sec ki value given hai. तो हमें remaining 5 trigonometric ratio की value find करना है, okay? तो यहाँ पे sec theta is given 13 by 12, okay? तो sec theta कितना होता है? तो मैं आपको यहाँ write करके बताती हूँ, जो कि होता है, हमें हम सारे, क्योंकि हमें इसमें सबके find करने हैं, तो मैं आपको सारे ratio write करके बताती हूँ, वो हो गया, P, B, P, H, H, P, पंडित भोले प्रसाद, ये याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं, आप जैसा चाहे वैसे याद कर सकते हैं, पंडित भोले प्रसाद न्यूमरेटर में, हर हर भोले डिनोमिनेटर में, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रेशियो होता है साइन थीटा, देन कॉस थीटा, फिर हो गया टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट cot theta, okay, sin theta होता है p upon h, cos b upon h, tan is p upon b, cosec h upon p, sec h upon b और cot b upon p, okay, तो यहाँ पे sec theta हमें given है, तो sec theta यहाँ से कितना हो गया, h upon b, hypotenuse upon हो गया base, okay, तो हमें यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे क्योंकि इन रेशियो में देखो परपेंडिकुलर है बेस और हाइपोटेनियस लेकिन हमें बेस और हाइपोटेनियस तो पता है पर परपेंडिकुलर नहीं पता तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन से हिंट कैसे लेना है हम यहाँ पे आपको थीटा गिवन है तो हम ट्रायंगल को नेमिंग कर देते हैं ए बी सी तो लेट लेट एंगल बी इज 90 डिग्री ओके अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल कंप्लीट करना है तो हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है 13 तो हम क्या करते हैं एंगल सी जो भी हमें थीटा गिवन है यहाँ पे जो भी एंगल हो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो कुछ भी हो जो भी एंगल हो वो हमें लेना है बेस के ऊपर एक्यूट एंगल हमें कहाँ लेना है बेस पे और अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया परपेंडिकुलर कौन होता है जो भी एक्यूट एंगल हमने बेस पे लिया है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर ये थीटा जो है या जो भी एक्यूट एंगल जो भी रेशियो का है वो ऑलवेज किसके बीच में बनता है बेस और हाइपोटेनियस के बीच में ठीक है तो जो उसको टच भी ना करे और उसके अपोजिट हो वो होता है परपेंडिकुलर तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया कम्प्लीट अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं हमें यहाँ पे एच कितना गिवन है 13 और बेस कितना गिवन है 12 तो अब हमें इस ट्रायंगल में क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर तो ये हम क्या करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी हाइपरटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस बी सी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओके तो ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर हो गया 12 स्क्वायर प्लस हाइपरटेनियस और बेस ठीक है ए बी की वैल्यू हमें सॉरी ए बी नहीं यहाँ पे ए सी आएगा हाइपरटेनियस स्क्वायर होता है ना यस ए सी आएगा तो यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं हमें ए सी की वैल्यू गिवन है ए सी कितना है 13 स्क्वायर और बी सी कितना है 12 स्क्वायर और ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ओके तो यहाँ पे हो गया 13 स्क्वायर होता है 169 12 स्क्वायर इज 144 प्लस ए बी स्क्वायर ओके अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं 169 माइनस 144 ये पॉजिटिव है उधर ट्रांसफर होके नेगेटिव हो जाएगा अपना साइन चेंज कर लेगा तो ए बी स्क्वायर तो 169 माइनस 144 हो गया 25 तो 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर तो दिस इम्प्लाइज ए बी कितना हो गया अंडर रूट 25 इज ए बी ओके तो अंडर रूट 25 का फैक्टर करते 5 इंटू 5 ये हो गया ए बी तो ए बी कितना हो गया रूट से 5 बाहर रखे क्या हो जाएगा 5 जिसकी पैरिंग हो जाती है वो नंबर रूट से क्या हो जाता है आ जाता है बाहर तो ये हो गया ए बी हमारा हो गया
5. तो AB हमारा कितना है? Perpendicular. तो perpendicular हो गया हमारा 5. Now triangle is complete. Now triangle में हमें base भी मिल गया, perpendicular भी मिल गया और hypotenuse भी मिल गया. ठीक है, अब हम step by step find करते हैं. तो first value हमें find करना है sin theta. तो sin theta कितना होता है? ये देखो P upon H. तो ये हमने write किया P upon H. तो P upon H कितना हो गया? Perpendicular कितना है triangle में? 5. और hypotenuse कितना है? 13. तो ये हमारा sin theta की value आ गई. Next हमें find करना है cos theta. Second हम find कर रहे हैं cos theta. Cos theta कितना होता है? B upon H. तो ये हो गया B upon H. तो question के अंदर base कितना है? Triangle के अंदर 12. तो ये हो गया 12. और hypotenuse कितना है? 13. तो ये ट्राइंगल कंप्लीट होने के बाद तो हमें सिर्फ जो हम याद किया है या जो रेशियो हमें पता है उससे हम फाइंड करेंगे. फिर थर्ड रेशियो इज साइन कॉस टेन. टेन थीटा कितना होता है? टेन थीटा होता है पी अपॉन बी. तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है? 5. और बेस कितना है? 12. ओके, सेक साइन कॉस टेन. नेक्स्ट इज कॉसेक थीटा. cos एक थीटा 1 अपॉन साइन भी होता है. तो हम 5 बाय 13 को 13 बाय 5 भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं. बट हम यहाँ पे आप इस पे भी सॉल्व कर सकते हो. cos एक थीटा 1 बाय साइन है, लेकिन चलो ट्राइंगल से भी सॉल्व करना ज्यादा इजी है. p अपॉन h. अच्छा, cos एक होता है h अपॉन p. रिवर्स हो जाएगा साइन का, क्योंकि cos एक 1 अपॉन साइन भी होता है ना. लेकिन h कितना गिवन है यहाँ पे? 13. और परपेंडिकुलर कितना है? 5. यहाँ देखो साइन और कॉस की वैल्यू रिवर्स है. यहाँ पे बेस में 5 है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस में 5 है. ओके, नाउ लास्ट वैल्यू साइन कॉस टेन कॉस एक. सेक की वैल्यू हमें गिवन है कॉट. लास्ट वैल्यू इज फ्रॉम कॉट थीटा. कॉट थीटा भी टेन का रिवर्स होता है, लेकिन इसमें देखो कॉट कितना होता है? बी अपॉन पी. तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं B अपॉन P. और ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो बेस हमें दिख रहा है कितना? 12. और परपेंडिकुलर कितना है? 5. तो ये हो गया 12 अपॉन 5. ठीक है, ये देखो 10 का रिवर्स 5 अपॉन 12 है, ये 12 अपॉन 5 है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना हो, चाहे वो ट्राइंगल के रेशियो को याद रखना हो, ट्राइंगल को कैसे बनाना है वो याद रखना हो, क्वेश्चन से कैसे हिंट यूज करना हो. तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें. आपके इन क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन के अलावा भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. मैं आपको जितना हो सके उतना जल्दी सॉल्यूशन उसका आपको प्रोवाइड कराऊंगी. जितनी हेल्प हो सके वो हम करेंगे. ओके, बाय, थैंक यू.